फ्रेंड्स, वी आर रीडिंग लेसन 22 ऑन द मूव अगेन. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 204. डिस्कस एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2. डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स और वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स? Look for examples from this book and write. ये rest 3 questions हम कर चुके हैं. ये वाला question भी हमने पिछले video में कर लिया. Okay? तो यहाँ से start किया. तो क्या आप कोई ऐसा job या ऐसा कोई work जानते हैं जिससे लोगों को अपनी family से दूर रहना पड़ता है बहुत से महीनों के लिए? तो आप ऐसे ही examples देखें और फिर अपनी बुक में या कॉपी में लिखें. सो यस, सम ऑफ द जॉब्स विच रिक्वायर्स पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ आर. सबसे पहला तो है आपका जॉब्स इन आर्म्ड फोर्स. जो व्यक्ति आर्मी में होते हैं वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. सेकंड, जॉब इन मर्चेंट नेवी. जो लोग नेवी में होते हैं, नेवी मतलब जल सेना और आर्मी मींस होता है थल सेना, ठीक है, तो वो लोग भी दूर रहते हैं. फिर सी, स्टडीइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल. जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ते हैं तो वो भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. ओके, एंड ओवरसीज असाइनमेंट्स. और कुछ लोगों के प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स चलते रहते हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स. कई प्रकार के जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनके लाइफ में क्या सिमिलरिटी होती है? उनके लाइव्स मींस यहाँ पर जीवन से, ठीक है, उनके जीवन, उनकी लाइव्स में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो हमें बताना है यहाँ पर. तो सबसे पहले मैं आपको सिमिलरिटीज बता दूं कि मोस्ट ऑफ फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. बहुत सारे फार्मर्स जो हैं पूरी तरह फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं, खेती पर डिपेंड होते हैं अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है. सेकेंड, ऑल द फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन फार्मिंग. फार्मर्स में सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फार्मर के, वो फार्मिंग में एंगेज्ड होते हैं, व्यस्त होते हैं. ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन्स फॉर इरिगेशन. वो लोग बारिश पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट रहते हैं इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, बारिश पर निर्भर होते हैं वो. ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट. ज्यादातर फार्मर्स जो हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, है ना. दे यूज प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. वो लोग प्रिमिटिव मींस होता है पुराने, ठीक है, आदि मानव के जमाने की, ठीक है, तो वैसी वाले फार्मिंग में वो मेथड्स, वो लोग प्राचीन पुराने जो मेथड्स होते हैं वो यूज करते हैं फार्मिंग में. ओके, नेक्स्ट, डिफरेंसेस. अब डिफरेंसेस क्या हैं? तो सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड. कुछ फार्मर्स के पास खुद के जमीन, खुद की जमीन होती है, खुद की खेती होती है, ठीक है. लेस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एंगेज्ड इन फार्मिंग. बहुत कम लोग, कुछ फार्मर्स के यहाँ बहुत कम लोग, बहुत कम फैमिली मेंबर्स फार्मिंग में एंगेज्ड होते हैं, ठीक है. सम फार्मर्स आर लिटरेट. कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो लिटरेट होते हैं, मीन्स पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं. एंड सम फार्मर्स यूज मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट. और कुछ फार्मर्स मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, आज जो चल रहे हैं खेती के जो नए नए इक्विपमेंट हैं, संसाधन हैं, उनका यूज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड. यू हैव रीड अबाउट मैनी काइंड्स ऑफ फार्मर्स in different lessons in this book. So fill in the blanks, fill in the table. यहाँ एक table दी हुई है, तो यहाँ पर farmers के name लिखे हुए हैं. See, name of the farmer, दामजी भाई
और किस लेसन में है? तो ये लेसन 19 में है, ओके। और हसमुख, हसमुख भी लेसन 19 में है। तो ओन लैंड इनके खुद की लैंड थे या नहीं? तो इनके तो दोनों के खुद की लैंड थे, यहाँ राइट का हम टिक करेंगे। फिर व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या उगाते थे? तो दामजी भाई क्या उगाते थे? फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सारी चीजें दामजी भाई उगाते थे, है ना। और हसमुख, ओनली दोज आइटम्स विच कैन गिव ह्यूज प्रॉफिट। हसमुख जो था दामजी भाई का बेटा था, है ना, तो हसमुख सिर्फ वही चीज उगाता था जिससे उसे प्रॉफिट होता था, ओके। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस, दामजी भाई ने क्या डिफिकल्टीज फेस की फार्मिंग के दौरान? उनने ज्यादा कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की, नॉट मच, ओके। बट हसमुख, हाई कॉस्ट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर्स, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन सॉइल, क्या करता था हसमुख की फर्टिलाइजर्स का यूज करता था, है ना, और मार्केट में जो सीड्स मिलते थे उनका यूज करता था, तो उससे क्या होने लगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज करता था, खाद, है ना, मैन मेड जो खाद होती है इंसानों के द्वारा बनाई गई, उनका यूज करता था, जिससे धीरे धीरे जो उसका लैंड था, उसकी जमीन थी, वो उसकी फर्टिलिटी खत्म होती गई, उपजाऊपन खत्म होता गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसको लोन लेना पड़ा, लोन बिकम्स टू हाई, लोन बहुत ज्यादा हो गया, उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया, बिकॉज बिग फार्मर्स ऑफन नीड टू बोरो, ठीक है, क्योंकि बड़े जो फार्मर्स होते थे वो उधार लेने लगे, बड़े फार्मर्स प्रॉफिट के लिए उधार ले लेकर काम चलाते थे, ठीक है, कि अच्छी अच्छी फसल होगी तो उसे हम बेचकर अच्छे दाम हमें मिलेंगे तो हम अपना लोन चुका पाएंगे, पर अच्छी फसल हुई नहीं तो वो कर्ज में डूब गया, ओके। एनीथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ? तो दामजी भाई के सिचुएशन में तो ये हुआ, सॉरी, दामजी भाई के केस में तो ये हुआ कि ही कुड इजिली गेट फूड फॉर होम, उसको उनको आसानी से घर में खाने के लिए अनाज मिल जाता था। पर हसमुख के साथ क्या हुआ, हसमुख के बेटे को फार्मिंग छोड़कर ड्राइविंग करनी पड़ी, ठीक है, वो इतना कर्ज में डूब गया था हसमुख कि उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके बेटे ने फार्मिंग छोड़ दी और ट्रक ड्राइविंग करने लगा, ओके। तो यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको आंसर दिखा दूं, ये है व्हाट वी हैव लर्न्ड के क्वेश्चन का आंसर। और ये है थिंक एंड डिस्कस के रेस्ट टू क्वेश्चंस का आंसर, ओके। तो इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। टुमारो वी विल स्टार्ट लेसन 23।